फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्राची वैद्य आप सबका स्वागत करती हूँ टॉप टाइम परिवार की तरफ से। और आज बहुत दिनों के बाद फिर से हमारे वेबिनार्स का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है ओरल हेल्थ और अ नेचुरल वे टू मेंटेन इट। मतलब अभी तक हमने बहुत बार स्किन के टॉपिक देखे कि एक्ने, फिर स्किन केयर रूटीन कैसे मेंटेन करना है, फिर बाद में बेबी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में भी देखा। तो अभी हमें आगे जाना है और वो है ओरल हेल्थ के जो प्रोडक्ट्स है टॉप टाइम के, उसके बारे में जो जानकारी है वो समझ के लेनी है। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक का थोड़ा समरी आज हम समझ के लेंगे। तो ओरल हेल्थ में आइडियली दांतों की समस्या हम देखेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे कि दांतों की रचना कैसी रहती है, उसमें क्या क्या बीमारियाँ होती है, और हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि जिसके वजह से वो सब समस्या हम दूर करेंगे। और आयुर्वेद में दिनचर्या टॉपिक में, मतलब रोज हम ऐसे कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे कि जिसके वजह से हम और हेल्दी होंगे, तो उसमें दंतल हावन करके एक टॉपिक आया है कि जिसमें दातुन से हम मतलब जो वनस्पति की स्टेम्स रहती है, जो बार्क रहती है, तो उससे हम दातुन करेंगे अगर करेंगे तो उसके वजह से बहुत से बीमारियां हम दूर रख सकते हैं और स्वस्थ बन सकते हैं। तो ऐसा हमें आयुर्वेद की पुस्तकों में रेफरेंस भी मिलते हैं। और अभी हम आगे जाएंगे हमारे टॉपिक की तरफ कि हम कैसे ओरल हेल्थ हमारी मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ओरल हेल्थ में, मतलब एक जो ओरल कैविटी के बारे में सोचेंगे तो हमें कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए और कौन सी हेल्थ हमें मेंटेन करनी चाहिए। तो एक है डेंटल हेल्थ, फिर टंग क्लीन रखना, पैलेट की हेल्थ, ओरल लिप केयर, और फिर मतलब उसके साथ ही हमारी जो टोटल ओरल कैविटी है उसमें गार्गलिंग से भी हम हेल्थ मेंटेन करते हैं। तो ये सब हमें क्यों ज़रूरत इसकी है तो ये समझ के लेंगे कि बैक्टीरिया, दैट इज द प्लाक विच फॉर्म्स इन 2 to 3 hours आफ्टर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, इट नीड्स टू बी क्लीन्ड। मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं उसके बावजूद भी, मतलब सिर्फ खाने के वजह से ही नहीं, तो आफ्टर ब्रशिंग हर 2 to 3 hours में हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरिया रहते ही है और इसके वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो ब्रशिंग क्लीन्स द सरफेस ऑफ योर टीथ, मतलब ब्रश करेंगे तो सरफेस तो क्लीन होगा ही। फ्लॉसिंग, लेकिन फ्लॉसिंग किसको करना है कि जिनके एग्जिस्टिंग जो दांतों में गैप्स ऑलरेडी मौजूद है उनको फ्लॉसिंग करना है, बिकॉज जिधर मतलब इंटैक्ट टीथ है तो वो तो ऑलरेडी क्लीन हो रहे हैं, लेकिन नेचुरल गैप्स अगर रहेंगे तो बराबर गैप्स के बीच में जो कुछ भी हम फूड खाते हैं वो अटक जाता है और अल्टीमेटली अगर वो साफ ना हो तो इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसके वजह से फ्लॉसिंग, ये गैप्स रहेंगे दांतों में तो ही करना है, और नहीं तो फिर ब्रशिंग टेक्निक्स ही हमें अच्छे से फॉलो करनी है। आगे जाके हम और डिटेल में जाएंगे। तो फ्लॉसिंग हेल्प्स इन क्लीनिंग द गैप्स बिटवीन योर टीथ वेयर बैक्टीरिया ऑफन रिसाइड, अदरवाइज द प्लाक बिल्डअप कैन लीड टू कैविटीज, टूथ डीके एंड गम डिसीज। कि अगर हम दांत क्लीन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली टूथ डीके शुरू हो जाता है, गम डिसीजेस होने लगते हैं। तो थोड़े फ्लॉसिंग के बारे में उन्होंने हाइलाइट्स दिए हैं कि अगर फ्लॉस करेंगे अच्छे से तो नियर अबाउट 6.4 ईयर्स आपका लाइफ स्पैन बढ़ता है, फिर एजिंग इफेक्ट्स कम होते हैं, और स्मोकिंग ये मेजर कॉज है हमारे ओरल कैविटी की बहुत सारी बीमारियों को। जैसे आपको भी पता है कि स्मोकिंग के वजह से, टोबैको और ओवरऑल ये एडिक्शंस के वजह से आगे लंग कैंसर, फिर माउथ कैंसर, ये सब तो आगे हो सकता है। तो आइडियली एडिक्शंस भी कंट्रोल करने हैं, एट द सेम टाइम हेल्दी ओरल हैबिट्स भी हमें मेंटेन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फोकस करेंगे डेंटल केयर पे, और डेंटल केयर के लिए हम थोड़ी इन्फो समझ के लेंगे दांतों की। तो ओवरऑल जब हम दांत मतलब दांतों का सरफेस समझते हैं तो ये है सबसे ऊपर हमें दिखने वाला सरफेस, फिर ये है गम सरफेस, मतलब मसूड़ों का लेयर है, ये मसूड़ों के स्किन का लेयर है,
और मतलब आइडियली सिर्फ हमें 1/4 ही दांत मतलब ऊपर दिख रहा है, लेकिन आइडियली मेजर स्ट्रक्चर ये मसूड़ों के अंदर रहता है। और इसमें क्या क्या है, तो एक एनाटॉमिक क्राउन, इसे दो डिविजन्स किए हैं, एनाटॉमिक क्राउन, फिर रूट मतलब दांतों का रूट, और एक एनाटॉमिकल क्राउन। और एनाटॉमिकल क्राउन में डिविजन्स है क्लिनिकल क्राउन, फिर उसमें इनेमल है, उसके बाद में डेंटिन ये लेयर है, फिर पल्प ये लेयर है। और ये सब स्ट्रक्चर को, जैसे अगर हमें एकदम हेल्दी रहना है तो हमारी ब्लड वेसल्स और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना इम्पोर्टेंट होता है। तो वही बात दांतों के बारे में भी होती है कि अगर ब्लड सप्लाई दांतों का अच्छा रहे तो ओवरऑल हमारी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो थोड़ा हम और आगे जाएंगे कि दांतों के कौन से टाइप्स हैं। तो एक है इंसीजर, फिर है कैनाइन, फिर प्री मोलार एंड मोलार। तो ओवरऑल उन्होंने मतलब ये पोजीशंस बताया है कि इंसीजर्स मतलब जो फ्रंट में दांत रहते हैं उनको इंसीजर्स कहते हैं, कैनाइन मतलब जो फ्रंट मतलब बाजू में जो पॉइंटेड टीथ रहते हैं वो है कैनाइन, फिर प्री मोलर कैनाइन के पीछे रहने वाले प्री मोलर्स, और उसके बाद में सबसे लास्ट मतलब मोलर्स। तो इसके शेप्स भी बताया है कि चीजल शेप मतलब शार्प एज रहता है जिसकी वजह से फूड अच्छे से हम बाइट कर सके। फिर ये जो कैनाइन है वो इट इज बेसिकली स्लाइटली मोर पॉइंटेड देन इंसिजर्स, मतलब थोड़ा और पॉइंटेड रहता है सो दैट फूड हम टियर कर सके मतलब फाड़ सके थोड़ा, और मतलब फाड़ के अच्छे से च्यू कर सके सके। फिर नेक्स्ट है प्री मोलार, तो उसमें टू कस्प्स रहते हैं और मतलब दो ऐसे एलिवेशंस रहते हैं, और उसके बाद में मोलार इसमें 4 और 5 कप्स भी कस्प भी रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उसका फंक्शन क्या है, तो बाइटिंग ऑफ पीसेस ऑफ फूड। देन कैनाइन से क्या होता है कि इंसीजर के पैरेलल ही वो रहता है, फिर प्री मोलार में टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग रहता है, और बाद में मोलार में चीविंग एंड ग्राइंडिंग रहता है। तो इस तरह से ह्यूमन टीथ के बारे में हमने उसके टाइप्स समझे, और आगे जाएंगे हम कि हम ये सब क्यों समझ के ले रहे हैं, क्योंकि अगर ओरल हेल्थ हम स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं और हमें दांतों का अगर स्ट्रक्चर समझ रहा है तो ग्रेजुअली हम उनका क्लीनिंग भी अच्छे से कर पाते हैं। तो क्योंकि हर एक टीथ टाइप के रिलेटेड हमें दांतों का क्लीनिंग करना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इंसीजर्स कैनाइन प्रीमोलर इनके प्लेन सर्फेसिस है, लेकिन आइडियली प्री मोलर और मोलर में जो दो एलिवेशन रहते हैं उसके अंदर ही बहुत सारा फूड मटेरियल जमा हुआ रहता है, लेकिन उधर या फिर उधर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर डेंटल केरीज यानी जो दांत किडना हम बोलते हैं तो वो भी इधर मैक्सिमम टाइम्स इधर हमें मौजूद मिलता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सब जो सिर्फ क्लीनिंग के रिलेटेड बीमारियां होती है वो हम दूर रख पाते हैं। तो उसमें भी क्या है कि व्हाट प्रॉब्लम्स कुड पुअर डेंटल हेल्थ कॉज, मतलब ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि जो आगे आ सकते हैं अगर हमने दांतों का संभाल ठीक से नहीं किया, ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन नहीं की तो कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो उसमें क्या है, तो माउथ कैंसर, फिर डायबिटीज, गम डिसीज, टूथ लॉस मतलब टूथ लॉस दांत गिर जाना, फिर बैड ब्रीदिंग मतलब इसको हैलिटोसिस भी बोलते हैं, फिर डेंटल डिके, लंग कंडीशंस, स्ट्रोक्स, हार्ट डिसीज, तो ये सब कंडीशंस इसमें आ सकती है। तो वो भी क्यों, क्योंकि अगर अच्छे से ओरल हेल्थ ही स्ट्रांग नहीं है तो ओवरऑल जो कुछ भी हम फूड ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन आइडियली डाइजेशन प्रोसेस ये सिर्फ स्टमक में जाके स्टार्ट नहीं होता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ मतलब सलाइवा से जो एंजाइम्स है वहाँ से ही ये सब स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ओरल हेल्थ अगर अच्छे से मेंटेन नहीं रहे तो अल्टीमेटली ये फूड का डाइजेशन स्टार्ट ही अच्छे से नहीं होता है, और एब्जॉर्प्शन भी जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उनकी अच्छे मतलब न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होता है, और आगे जाके फिर ये सब क्रोनिक कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो टूथ डीके मतलब डेंटल केरीज, तो ये कैसे होते हैं ये हम उसके स्टेजेस देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये केस मिलते ही है, और हम खुद भी बहुत सारे बार ये
गो थ्रू करते हैं कि दांत किडना, तो ये क्यों होता है समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ केरीज डेवलपमेंट, कि ऐसे डेंटल केरीज क्यों होते हैं. डेंटल केरीज यानी दांतों का किडना. तो इनेमल केरीज, ये इनेमल में ही केरीज दिखता है. डेंटिन मतलब जो हमने इनेमल के बाद में जो लेयर देखा था कि डेंटिन ये नेक्स्ट लेयर है, और उसमें अगर तकलीफ रहेगी कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो ये डेंटिन का केरीज होता है. फिर पल्पाइटिस मतलब जिधर ब्लड सप्लाई है उधर अगर इन्फेक्शन उधर तक पहुंच गया रहेगा तो वो पल्पाइटिस के फॉर्म में दिखने लगता है. और उस पेरियोडोंटाइटिस मतलब उसके बाद में एकदम एंड में भी टीथ सरफेस में अगर इन्फेक्शन रहेगा तो पेरियोडोंटाइटिस भी हो सकता है. तो हम समझेंगे कि ब्रॉडली केरीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स है, पीट एंड फिशर केरीज, फिर स्मूथ सरफेस केरीज, सर्वाइकल केरीज एंड नर्सिंग बॉटल केरीज. ठीक है. फिर मैकेनिज्म ऑफ टूथ डीके, तो बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ शुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस एसिड दैट कॉजेज डीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ. मतलब पहले टूथ डीके कैसे होता है, तो अगर हम शुगरी सब्सटेंस ज़्यादा लेते रहेंगे तो उसके साथ बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए एक मतलब हम बोलते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जिसमें और वो ग्रो हो सके, और अल्टीमेटली फिर इन्फेक्शन बढ़ते हैं. फिर डीमिनरलाइजेशन मतलब जो नेचुरली मिनरल्स और जो इनेमल रहता है तो वो भी अगर ख़राब होते रहे तो इसके वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस आगे जाके होते रहते हैं. तो इनेमल इज अफेक्टेड फर्स्ट एज डीके कंटिन्यूज इट रीचेस टू डेंटिन एंड देन टू पल्प. मतलब पहला क्या अफेक्ट होता है, तो पहला इनेमल अफेक्ट होता है, फिर बाद में अगर डीके कंटिन्यू ही रहे तो डेंटिन अफेक्ट हो सकता है और उसके बाद में पल्प भी अफेक्ट हो सकता है. तो इस तरह से स्टेजेस हमने देखे कि दांत किडना ये कैसे होता है. फिर ये दांतों की समस्या थी, लेकिन उसके साथ ही अगर मसूड़ों में भी तकलीफ होती रहे तो ये कौन से कंडीशंस है, तो वो है जिंजिवाइटिस एंड देन पेरियोडोंटाइटिस. मतलब आज एक्चुअली हम हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो बेसिक कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आइडियली अगर आपको एकदम मेजर कुछ डेंटल इश्यूज रहेंगे तो डेंटिस्ट का ओपिनियन लेके ही आगे जाना है, लेकिन जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में एफएमसीजी के अंडर जो डेंटा क्योर और आगे जाके आपको प्रोडक्ट समझेंगे तो वो आप हर्बल प्रोडक्ट्स रेगुलर यूसेज के लिए रख सकते हो, और उसके भी इन्फेक्शंस कम, दांतों के इन्फेक्शन कम करने में और बहुत सारे यूजेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अभी जिंजिवाइटिस समझ के लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजिवल टिश्यू और ब्लीडिंग गम्स भी दिखते हैं, और इसमें ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है जिंजिवाइटिस या फिर हार्मोनल भी हो सकता है. मतलब जो ये पिक्चर में हमें समझ रहा है कि ये हेल्दी गम है, कि जिधर दांतों को अच्छे से इंटैक्ट रखने वाला ऐसा ऐसे मसूड़ों की कंडीशन है. फिर जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि ये मसूड़ों में ही इन्फेक्शन होता है, और पेरियोडोंटाइटिस में तो इन्फेक्शन भी बढ़ के दांत और मसूड़ों का भी सरफेस अलग होता है, मतलब सेपरेट हुआ ऐसा दिखता है हमें. तो और उसके वजह से फिर आगे रखे दांत निकल भी सकते हैं. तो ये पेरियोडोंटाइटिस के बारे में समझेंगे कि इन्फेक्टेड गम रिसीड्स, पॉकेट्स बिकम इन्फेक्टेड, प्लाक कंटिन्यू टू इंक्रीज, बोन लॉस स्टार्ट्स, पेरियोडोंटल डिसीज कॉजेज 70% ऑफ टूथ लॉस. तो इससे टूथ लॉस हो सकता है. तो अभी पेरियोडोंटाइटिस के सिम्टम्स क्या है, तो माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, फिर बैड ब्रीदिंग भी होता है, रेड और सोलन गम्स भी होता है, फिर गम्स दैट ब्लीड ईजीली, और लूज और शिफ्टिंग टीथ. तो टीथ मतलब शिफ्ट होना या फिर टीथ थोड़ा लूज होना, ये भी गम इन्फेक्शन का ही सिम्टम है. एट द सेम टाइम बैड ब्रीदिंग का तकलीफ पेशेंट बताते हैं, और सोलन गम्स भी होते हैं मतलब मसूड़ों में सूजन उनको समझती है, और थोड़ा इन मतलब पेन भी रहता है. तो ये सब सिम्टम्स है. तो फिर से कि अगर क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस मसूड़ों की बीमारी अगर कंटिन्यू होती रहे तो ये सारी बीमारियां और आगे जाके हो सकती है, कि डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रेस्पिरेटरी डिसीज. फिर आगे अभी देखेंगे हम कि टॉप टाइम के कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि जो आप ओरल केयर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो एक है टॉप दंतुन रेड हर्बल टूथ क्लींजर. तो इसके जो कंटेंट्स है वो हम समझ के लेंगे. इसमें खदीर है, तो खदीर की छाल है उसका उपयोग किया है.
फिर बबूल की छाल का उपयोग किया है, नीम की जो बीज है तो उसके बीज का तेल यूज किया है, फिर वज्रदंती का उपयोग किया है, माजूफल का उपयोग किया है, मेंथॉल का उपयोग है, फिर क्लोव ऑयल है इसमें, यूकेलिप्टस ऑयल है इसमें, फिर गैरिक एक ऐसा मतलब रसशास्त्र यानी मिनरल्स का जिधर उपयोग किया है दवाइयों में, उसमें गैरिक का इम्पोर्टेंस बहुत है, तो ऐसे गैरिक का भी उपयोग इसमें है। तो ये हम किधर यूज करेंगे, तो गम एक्स मतलब मसूड़ों में जब दर्द होता है, फिर एट द सेम टाइम पेन इन गम्स वाइल चीविंग मतलब एकदम बेसिक कंप्लेंट रहती है कि खाना खाते वक्त ही मसूड़ों में बहुत दर्द शुरू होता है, फिर कभी ब्लीडिंग होता है गम्स में, और इन्फ्लेमेशन मतलब ओवरऑल मसूड़ों के बीमारियों में आप टॉप दंतुन रेड हर्बल टूथ क्लींजर यूज कर सकते हो, मतलब ये एक टूथपेस्ट है जो आप रेगुलरली यूज करते आपको रहना है। तो हाँ, इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, तो जो क्लोव मतलब लवंग का जो तेल है उसमें यूजिनॉल है, एक एनेस्थेटिक करके वो काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट करके काम करता है। तो एनेस्थेटिक में यानी कैसे कि जिधर सेंसेशन ओवरऑल ज्यादा है वो मतलब दांतों का अगर दर्द रहेगा या फिर मसूड़ों का दर्द रहेगा तो वो दर्द हमें नहीं समझता है ये लवंग तेल की वजह से, तो ये एनेस्थेटिक जैसे काम होता है। फिर इट फाइट्स द प्लाक एंड प्रिवेंट्स इट्स प्रोग्रेशन इन ओरल कैविटी, मतलब अगर दांतों में जो वाइट सब्सटेंस अटक जाता है, जो फॉर्म होते रहता है, अगर वो क्लीन ना करे तो आगे जाके बीमारियां है। लेकिन अगर ये हर्बल टूथ क्लींजर से क्या होता है कि उसका प्रोग्रेशन कंट्रोल में आता है और ओवरऑल ओरल हेल्थ मेंटेन होता है। फिर नीलगिरी तेल यानी यूकेलिप्टस ऑयल हैज एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, ओके, तो जो नीलगिरी तेल है उसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होने की वजह से बहुत सारी इन्फेक्शन हम कंट्रोल में रख सकते हैं। फिर बायो एक्टिव ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाइट्स पेरियोडोंटल पैथोजेंस, रिड्यूसेस द जिंजिवल इंफ्लेमेशन एंड गम ब्लीडिंग। तो जो कुछ भी बाकी मेडिसिन है तो उसमें ऐसी कुछ तत्व मौजूद है कि जिसके वजह से जो पेरियोडोंटल पैथोजेंस होते हैं मतलब दांतों में ऐसी कुछ माइक्रोब्स होते हैं और पैथोजेंस रहते हैं कि जिसके वजह से आगे जाके मसूड़ों की रोग हो सकते हैं या फिर गम ब्लीडिंग हो सकते हैं, तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए इनका काम है। और गैरिक जो हमने रेड पाउडर देखा था तो वो गैरिक इट कीप्स द गम्स स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल हर्बल टूथ क्लींजर का उपयोग हम मसूड़ों के रोगों में मैक्सिमम रख सकते हैं और अल्टीमेटली फिर टीथ के का हेल्थ भी मेंटेन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेंटा केयर हर्बल टूथ क्लींजर, तो इसमें है एलोवेरा और बबूल है, फिर तोमर का बीज है और वज्रदंती, ये सब क्या लिक्विड एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट यानी एक्सट्रैक्ट यानी ऐसी ऐसा घन भाग मतलब हम अगर एक मतलब वनस्पति लेंगे तो वनस्पति के मैक्सिमम हमें चूर्ण अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, या फिर जो अखा वनस्पति अगर हम लेंगे तो उसको उबाल के काढ़ा करते वक्त हम उसमें पानी डाल के पानी एक प्रपोर्शन में उड़ाने के मतलब उबाल उबाल के अगर जब पानी उड़ जाता है तो 1/4 जो रह जाता है तो उसको हम काढ़ा कहते हैं। लेकिन ये काढ़ा अगर हम और कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे तो उसका वाटर कंटेंट कम करके तो उसका जो घन भाग या फिर सार भाग हो जाता है तो उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ऐसा लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमने बबूल का यूज किया है, तोमर बीज का यूज किया है और वज्रदंती का यूज किया है, फिर माजू फल का भी इसमें उपयोग है, फिर मेंथॉल का है, लवंग तेल का है, नीलगिरी तेल का है। और जो पहले हमने देखा कि लवंग तेल की वजह से एक एनेस्थेटिक का काम होता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम होता है, फिर इट फाइट्स द प्लाक, देन घृतकुमारी यानी एलोवेरा, इससे क्या होता है इट रेगुलेट्स द सलाइवेशन मतलब जो लार आती है तो वो अच्छे से बनना और ओवरऑल उसका प्रमाण नियंत्रित रखना ये एलोवेरा से होता है। ओवरऑल इट प्रमोट्स ओरल इम्यूनिटी मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये इससे होता है। और इट रिड्यूसेस बैड ब्रीदिंग एंड एनहांसेस नेचुरल क्लींजिंग ऑफ द ओरल कैविटी, मतलब जो बैड ब्रीदिंग की तकलीफ है वो भी दूर होती है और नेचुरल क्लींजिंग होता है ओरल कैविटी का। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इट वाइटन्स द टीथ मतलब अगर आपको दांतों का रंग मतलब कलर भी सुधारना है,
कई बार ज्यादा खट्टे चीजें खा के या फिर ओवरऑल जिनका पित्त का प्रकृति रहता है, तो जिनको हाइपर एसिडिक की तकलीफ होती है, तो वैसे पेशेंट्स में कई बार उनको उनके दांतों का कलर भी येलो हुआ रहता है। तो ये अगर कलर हमें फिर से नॉर्मलाइज करना है तो उसमें आप डेंडा की और हर्बल टूथ क्लींजर यूज कर सकते हो। तो इट वाइटन्स द टीथ, देन इट डिओडराइज द माउथ, देन इट रिस्टोर्स एंड प्रोटेक्ट्स टूथ इनेमल। मतलब इनेमल अगर अच्छे से हेल्दी रखना है तो ये क्लींजर काम करता है। फिर इट रिड्यूसेस गम डिसीजेस एंड प्रिवेंट्स गम ब्लीडिंग। अगर गम डिसीज हमें, मतलब बहुत सारे जो गम डिसीजेस है तो वो अगर हमें प्रिवेंट करना है और गम ब्लीडिंग अगर हमें रुकाना है तो इसमें ये टूथ क्लींजर हेल्प करता है। फिर इट फाइट्स द जर्म्स, मतलब मेन तो जर्म्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये सब अगर कंट्रोल में रहे और उनका हम नाश कर पाए तो बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल होती है। तो ये हर्बल टूथ क्लींजर से होता है। तो टॉप 10 के जो इम्पोर्टेंट दो प्रोडक्ट्स है दांतों की समस्या में हम यूज कर सकते हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो आगे जाके मतलब एक थोड़ा हम समझ के लेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बाकी कंडीशंस के रिलेटेड भी, मतलब बाकी बीमारियां होती है तो उसके बाद ओरल हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। तो वैसे कंडीशंस में अभी फिलहाल जो न्यूट्रीलॉन्ग का क्लोरोफिल डिटॉक्स है, तो जिनकी डाइजेशन पावर थोड़ी वीक है तो और पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उन जिनको डिटॉक्स की जरूरत है, तो उनको आप ये हर्बल टूथ क्लींजर के साथ क्लोरोफिल डिटॉक्स प्रमोट कर सकते हैं। और मतलब एक सैशे दिन में एक बार 1 कप पानी में आप उनको लेने के लिए दे सकते हो। और एट द सेम टाइम उनका डाइजेशन और इम्प्रूव होने के लिए लीव केयर का कॉम्बिनेशन, मतलब लीव केयर टैबलेट है, लीव केयर सीरप है, तो ये प्रोडक्ट्स और क्लोरोफिल डिटॉक्स और ओवरऑल यूज करने के लिए ये हर्बल टूथ क्लींजर आप रिकमेंड कर सकते हो। तो एट द सेम टाइम और कई बार बाकी भी बीमारियां होती है तो जिसके वजह से उनको, मतलब हाइपर एसिडिटी है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको एंटासिड टैबलेट्स, आमला जूस, फिर ल्यूकेर टैबलेट सिरप, ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो जैसे पेशेंट है, जैसे उनका नीड है और जो मेन रीजन है जिसके वजह से ओरल हेल्थ भी डिस्टर्ब हुआ है वो समझ के आप प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि जनरल ओरल केयर कैसी होती है, कि मतलब अगर हमारे हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है लेकिन ओरल हमने कैसे ब्रश करना चाहिए दांतों को, कि जिसके वजह से हमारा ओरल हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहे। तो उस मतलब प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करने से क्या होता है, तो इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज अल्टीमेटली जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके अच्छे बेनिफिट्स हमारे हेल्थ पे मिल रहे हैं और एक क्वालिटी बढ़ मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। क्योंकि अगर अच्छा ओरल हाइजीन नहीं रहे तो हर टाइम कुछ भी अगर हम खाते रहेंगे तो हमें उसका इफेक्ट महसूस होता है। फिर इट प्रिवेंट्स टूथ लॉस, मतलब जो टूथ लॉस कई बार जल्दी होने लगता है, उम्र कम है लेकिन फिर भी बहुत से पेशेंट्स में ऐसे देखने में मिलता है कि उनका टूथ लॉस बहुत जल्दी हो गया, दांत गिरना, और एट द सेम मतलब ओवरऑल 45-50 तक उनके ऑलमोस्ट सगे सब दांत गए हुए रहते हैं। तो ये ऐसे कंडीशंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर पेरियोडोंटल डिसीज, मतलब मसूड़ों की जो बीमारियां है और ओरल टूथ डीके, दांतों का किडना, ये हम अगर ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर इसमें टेक्निक्स क्या है, तो प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए, एटलीस्ट 2 मिनट्स करना चाहिए। फिर शॉर्ट जेंटल स्ट्रोक्स यूज करने हैं और मेक अ 45-डिग्री एंगल बिटवीन ब्रश एंड टूथ सरफेस, मतलब जो टूथ का सरफेस है और ब्रश का सरफेस है उसमें मिनिमम 45-डिग्री एंगल, ये जो हमें एंगल दिख रहा है तो ऐसा 45-डिग्री एंगल तो रहना ही चाहिए, और ये एडल्ट्स के लिए। और बच्चों के लिए क्या होता है, तो बच्चों के लिए हम सर्कुलर मोशंस में उनको ब्रश करने के लिए एडवाइस करते हैं, ओवरऑल उनका टूथ डेवलपमेंट शुरू रहता है तो इसलिए हमें उनको सर्कुलर डिरेक्शन बतानी है, और हमने खुद 45 डिग्रीज में दांतों का ब्रशिंग होना चाहिए हमारा। फिर क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ अपर टीथ, मतलब पहले अपर टीथ फिर लोअर टीथ, एंड क्लीन द चीविंग सरफेस, ओवरऑल ये जो चीविंग सरफेस है ये क्लीन करना है। मेक श्योर टू ब्रश योर टंग, एट द सेम टाइम टंग क्लीन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये टंग क्लीनिंग के लिए तो जीवा निर्लेखन ऐसा वर्ड आयुर्वेद में आया है कि ये मतलब बहुत सारी बीमारियां दूर करने के लिए जीवा निर्लेखन भी बताया। तो एट द सेम टाइम जो टूथब्रश हम यूज कर रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स जिसके हैं सॉफ्ट ब्रिसल्स विथ स्मॉल हेड ये हम यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो टूथब्रश है वो हमें रिप्लेस करना है, थोड़ा भी मतलब खराब हो जाए तो विद इन एटलीस्ट आइडियली 3 मंथ्स हमें नया टूथब्रश लेना है। फिर डेंटल हाइजीन रिड्यूसेस पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, तो ये सबसे क्या होगा, तो जो पॉसिबल सोर्स है इन्फेक्शन के वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ टीथ एंड गम्स एंड प्रमोट्स अ बेटर एपेटाइट। मतलब ओवरऑल अगर ओरल हेल्थ अच्छी रहे तो हमारा एपेटाइट मतलब जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन भी अच्छा मेंटेन होता है। फिर एट द सेम टाइम अगर हमने ओरल हेल्थ में मतलब दांतों की समस्या दूर रखने के लिए डेंटल ब्रशिंग टेक्निक समझ के लिए है, तो एट द सेम टाइम जो मैंने पहले बताया था कि ओरल कैविटी में बाकी भी चीज़ें हैं तो वो है लिप केयर भी आता है, गम्स पैलेट टंग, तो इनका भी क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है। फिर पेशेंट्स शुड बी एनकरेज टू ब्रश टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे और आफ्टर मील्स, मतलब दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रशिंग होना चाहिए। सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है और रिप्लेस एवरी 1 to 2 मंथ्स मतलब आइडियली 3 मंथ्स। और जिनको ब्लीडिंग कंडीशंस है या फिर प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं तो उनको फ्लॉसिंग एडवाइस नहीं है और उन्हें नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम फ्लॉसिंग भी पहले जैसे डिस्कस किया था कि जिनके दांतों में ऑलरेडी गैप्स है और जिधर फूड जमा होने के चांसेस बहुत है तो और उनको अच्छे से वो क्लीन करना नहीं जम रहा है तो सिर्फ उन्होंने फ्लॉसिंग करना है। फिर रेगुलरली यूज एन अल्कोहल फ्री माउथ वॉश, और माउथ वॉश भी कैसा होना चाहिए कि जो अल्कोहल फ्री रहे। फिर मॉइस्चराइज एंड ल्यूब्रिकेट लिप्स एंड म्यूकोसाज नीडेड, मतलब जो लिप्स है तो इनका भी हमें अच्छे से मॉइस्चराइजेशन करना है और ल्यूब्रिकेशन लिप्स का और म्यूकोसा का एज रिक्वायर्ड रखना चाहिए स्पेशली विंटर केयर में। तो अभी हम जो बेसिक साइंस में भी जो रेफरेंसेस आए हैं ओरल कैविटी के तो वो भी समझ के लेंगे कि आयुर्वेद में जो पहले दिनचर्या में मैंने स्टेप्स बताए थे कि ब्राह्म मुहूर्त पे उठना है, फिर बाद में दंत धावन करना है, जीवा निर्लेखन करना है और ऐसे बहुत से स्टेप्स है, तो उसमें और एक उन्होंने बताया है कि गंडूष थेरेपी, कवल और गंडूष थेरेपी। तो गंडूष थेरेपी मतलब क्या कि इट मींस होल्डिंग मेडिसिनल फ्लूइड आइदर ऑयल रहता है इन योर माउथ फॉर ट्रीटमेंट पर्पज, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए हमने ओरल कैविटी में मुंह में हमें मेडिकेटेड ऑयल हमें धारण करना है एटलीस्ट, मतलब ऑयल लेके हमें 10 मिनट या फिर जितना मैक्सिमम हमें पॉसिबल है उतना वो धारण करना है और फिर बाद में फेंक देना है। तो इससे क्या होता है, तो ये इट नॉट ओनली सर्व्स टू क्लीन द ओरल कैविटी बट इट ऑल्सो रिड्स द बॉडी ऑफ टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट अराइज एज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। तो मतलब ये सिर्फ ओरल कैविटी क्लीन करने का काम नहीं होता है इससे, तो जो कुछ भी शरीर में हमारे टॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं डेली बेसिस पे, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं कि जो सिर्फ जो शरीर के बाहर अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं तो वो भी क्लीन करने में इसकी मदद होती है। तो ऐसी ये गंडूष थेरेपी है, और जो अभी के ज़माने में उसको ऑयल पुलिंग थेरेपी ये नाम से इसका ट्रेंड फिलहाल चालू है। तो वो ऑयल पुलिंग थेरेपी भी कैसी और डिटेल में करनी है वो हम समझेंगे। और एट द सेम टाइम और एक है कि एक प्लांट ट्विग, मतलब जो दातुन हम पहले के ज़माने में करते थे वो ही अभी भी कंटिन्यू करना है। तो इससे क्या होता है, द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बिटर टेस्टिंग ट्विग कीप्स द माउथ जर्म फ्री एंड हेल्दी। मतलब क्या होता है कि ये जो स्पेशली ये प्लांट के ट्विग्स रहते हैं और ये अगर हम चबा के खाएंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बार्क में तो वो हमें बिटर टेस्टिंग रहेगी, मतलब थोड़ा कड़वापन उसमें रहेगा लेकिन अल्टीमेटली ये ओरल कैविटी अच्छी रखने में मदद करते हैं। तो उसके लिए नीम का या फिर आम का या फिर पीपल ट्रीज का उपयोग किया है। फिर इसमें क्या होता है कि उंगली के समान जो थिक ऐसे ट्विग्स है तो वो ही लिए जाते हैं और ऊपर की उसकी स्किन है मतलब जो ऊपर का लेयर है तो वो निकाल के एक कॉर्नर से उसको सिर्फ चबाना है और थोड़ा ब्रश के जैसे शॉर्ट इंटरवल में उसको दांत क्लीन करने में यूज करना है।
और इससे ब्रश मतलब ओवरऑल हम जैसे ब्रश यूज करते हैं वैसे ही ये दातुन को हमें यूज करना है गम्स पे और मतलब मसूड़ों पे और दांतों पे। तो उससे क्या होता है, तो हार्मफुल माइक्रोब्स जो रहते हैं मुंह में तो वो हमारे क्लीन होते हैं एंड इट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द टीथ। तो ओवरऑल आप अगर टूथब्रश यूज कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपको पॉसिबल रहेगा ये प्लांट ट्विग यूज करना तो आप ये जरूर कर सकते हैं। फिर हर्बल टूथ रब और एक ऐसा टेक्निक अभी फिलहाल बहुत है कि इसमें क्या होता है कि हम ऐसे कुछ कंटेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं कि जिससे सिर्फ दांतों पे वो घिसना है एक पाउडर के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हर्बल टूथ रब मतलब जो पहले के जमाने में हम मंजन करते थे, मंजन पाउडर्स रहते हैं, मंजन चूर्ण रहते हैं, तो वैसे ही सिर्फ ये कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे है कि गार्लिक मतलब लहसुन, फिर सेंधव और सेंधव नहीं ये रॉक सॉल्ट है, और फिर गावा और मैंगो लीव्स और आम का पत्ता, तो ये सब कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो ओवरऑल इनेमल हमारा मेंटेन रहता है। दे प्रिवेंट एंड क्योर ऑल काइंड्स ऑफ टीथ डिसऑर्डर। तो ओवरऑल ये जो है पाउडर ये कॉम्बिनेशन है वो हमें पाउडर फॉर्म में मतलब रेडी करना है और ओवरऑल टीथ पे घिसना है। तो मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू रब टीथ एंड गम्स। तो इससे क्या होता है कि अगर हम तेल और नमक ये एक साथ यूज करेंगे तो और ये टूथ रबिंग के लिए यूज करेंगे तो मसूड़ों की समस्या हम दूर रख सकते हैं, दांतों की समस्या हम दूर रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टंग क्लीनिंग, मतलब आयुर्वेद रिकमेंड्स स्क्रेपिंग द टंग इमीडिएटली आफ्टर ब्रशिंग टीथ। मतलब टीथ अगर हम जब टीथ ब्रशिंग होने के बाद एट द सेम उसके बाद हमने टंग को भी क्लीन करना है, यूज द टंग स्क्रेपर। मतलब ऐसे टंग स्क्रेपर्स मिलते हैं या फिर कभी कभी टूथब्रश के लिए ही टूथब्रश के सरफेस पे ही टंग क्लीन कर पाते हैं ऐसा सरफेस मिलता है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिमूव द कोटिंग ऑफ डर्ट और बिल्ड अप फ्रॉम द टंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउल स्मेल। तो ओरल ओरल कैविटी में दांतों की हेल्थ एट द सेम टाइम टंग क्लीन करना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये लास्ट पैरामीटर है कि गंडूश ऑयल पुलिंग थेरेपी, मतलब जो पहले हमने डिस्कस किया था आयुर्वेद में जो गंडूश थेरेपी बताया है तो वो ही अभी फिलहाल फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेंड में है। और लेकिन ये हमारे जो एंशियंट साइंस आयुर्वेद में बताया है तो वो टेक्निक अगर हम फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ऑयल पुलिंग इज बेस्ट कैरिड आउट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हमें ये थेरेपी करना है बाय स्वर्लिंग अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल इन योर माउथ। मतलब सिर्फ 1 टीस्पून अगर आप तेल लेंगे एंड पुलिंग इट थ्रू द इंटर डेंटल स्पेसेस एंड टीथ। इससे क्या करना है कि हमें इंटर डेंटल स्पेसेस मतलब हमारे दांतों के बीच में जो स्पेसेस रहते हैं तो उसमें वो ऑयल जाए ऐसे ऐसे तरीके से हमें मतलब वो गंडुश करते रहना है, गार्गलिंग करते रहना है एंड स्पिट द ऑयल इनटू अ बेसिन आफ्टर 10 to 20 मिनट्स। तो ऐसा 10-15 मिनट करने के बाद ये आपको फेंक देना है ऑयल एंड रिंस द माउथ विथ ल्यूकोम वाटर। और फिर आगे जाके ल्यूकोम वाटर से हमें उसको मतलब माउथ रिंस करना है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है ना कि सिर्फ दांतों की समस्या दूर नहीं होती है लेकिन हमारा माइंड अलर्टनेस इम्प्रूव होता है, मतलब हम और अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, फिर हम और शार्प होते हैं और जो कुछ भी ब्रेन फंक्शंस है वो भी इम्प्रूव होते हैं और हमारे टॉक्सिन्स शरीर के जो है वो शरीर के बाहर निकलने में बहुत इजीली मतलब वो प्रोसेस शुरू रहती है। तो इस तरह से गंडूश थेरेपी अगर हम रोज यूज करेंगे तो आपको विदिन 1 वीक ही एक फ्रेशनेस आप महसूस करते मतलब कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली ऐसे जो कुछ भी थेरेपीज है जो एंशियंट साइंस में है और अभी एज अ ट्रेंड करके आ रहे हैं तो आइडियली हमें ये फॉलो करने चाहिए। एट द सेम टाइम जो हर्बल प्रोडक्ट्स है टॉप 10 के तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें और एक था कि पंचतुलसी ड्रॉप्स जो है तो ये तुलसी ड्रॉप्स जो एक साइंटिफिकली डेवलप्ड ऐसा रिसर्च प्रोडक्ट है जिसके बहुत रिसर्च पेपर्स है तो ये हम जो रेगुलर ड्रिंकिंग में यूज़ कर रहे हैं मतलब पानी में 1 लीटर पानी में 3 to 4 ड्रॉप्स हम यूज डाल के फिर बाद में वो पानी रेगुलर पीते हैं
उसको ही आप गार्गलिंग के फॉर्म में यूज कर सकते हो. मतलब अगर ये गंडूश थेरेपी के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो तो उसमें पंचतुलसी के 2-3 बूंद डाल के आप वो भी यूज कर सकते हो. मतलब अल्टीमेटली इन्फेक्शन भी जल्दी से कंट्रोल में आएंगे. एट द सेम टाइम अगर ऑयल पॉसिबल नहीं है तो पानी में ही तुलसी ड्रॉप डाल के उसका गार्गलिंग रेगुलरली आप कर सकते हो, तो इससे भी ओरल कैविटी मेंटेन रहता है. तो इस तरीके से आज हमने ऑयल कूलिंग थेरेपी के बारे में समझा. और इससे इसके जो टेक्निक्स है, मतलब ओवरऑल रेगुलर मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स, मतलब कौन से कंटेंट से आप ऑयल कूलिंग कर सकते हैं, ये है कि आपको अगर डेंटल केयर मेंटेन करना है तो तिल का पेस्ट और पानी, मतलब आइदर हॉट और कोल्ड, ये यूज़ करना है कॉम्बिनेशन. फिर रेगुलर गार्गलिंग करना है कि जनरल हेल्थ मेंटेन करना है दांतों का, तो आप तेल यूज़ कर सकते हो. फिर एप्थस अल्सर्स, माउथ अल्सर्स रहेंगे तो मेडिकेटेड घी या फिर मिल्क या फिर हनी, इसका आप यूज़ कर सकते हो. मतलब मुंह के छाले रहेंगे तो ऐसे कंडीशंस में आप जो मेडिकेटेड घी आते हैं, आयुर्वेदिक घी या फिर जो मतलब मिल्क आप यूज़ कर सकते हो या फिर हनी यूज़ कर सकते हो. तो ओवरऑल हमने समझा आज कि जो टॉप दंतुन हर्बल टूथ क्लींजर है वो जनरल गम हेल्थ, मसूड़ों के लिए फोकस्ड है. फिर गम, एक मसूड़ों में दर्द रहेगा तो हम यूज़ कर सकते हैं. फिर ब्लीडिंग गम्स है उसमें यूज़ कर सकते हैं. और डेंटा केयर जो है वो जनरल डेंटल हेल्थ के लिए है. एंड इट रिस्टोर्स एंड प्रोटेक्ट्स टूथ इनामल, इनामल अच्छा रखने के लिए, फिर दांत और वाइटनिंग करने के लिए, और माउथ में जो बैड ओडर का की तकलीफ होती है तो वो दूर करने के लिए भी हम डेंटा केयर यूज़ करते हैं. और जो तुलसी ड्रॉप्स का पहले बताया वो गार्गलिंग के लिए हम यूज़ कर पाएंगे, और लीव केयर टैबलेट टू प्रमोट हेल्दी मेटाबॉलिज्म. तो इस तरह से हमने ओरल हेल्थ के बारे में आज समझ के लिया. पहले ओरल मतलब टूथ का सरफेस, ओरल टूथ का एनाटॉमी, फिर बाद में कैसे उसके डिसीजेस आ सकते हैं आगे जाके, ये हमने समझा. और जो मेन तो आज के टॉपिक का था कि हमारे प्रोडक्ट्स, और एट द सेम टाइम आगे जाके जो ऑयल कूलिंग थेरेपी है, फिर टूथ रब है, तो ये सब आप रेगुलरली फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. और बहुत सारे मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि ये बेसिक टेक्निक है लेकिन ऐसे ही इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है क्या हमारे हेल्थ पे, तो जी हाँ, बहुत सारा अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें ये ऑयल कूलिंग से मिलते हैं. ओपीडी बेसिस पे जो कुछ भी पेशेंट्स ऑयल कूलिंग हम उनको एडवाइस करते थे तो उनको बहुत सारी बीमारियों में कंट्रोल लाने के लिए उनको मदद हुई है. तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक डिस्कवर किया और डिस्कस किया. तो कुछ क्वेरीज अगर रहेंगे तो हम देखेंगे. ठीक है, तो वैसे ओके, तो हमारा टॉपिक आज इधर कंप्लीट हो गया है. और नेक्स्ट टाइम हम नए और टॉपिक से मतलब डिस्कशन करेंगे. और थैंक यू एवरीवन एंड जय टॉप टाइम. तो इधर मीटिंग हमारा ख़त्म हो रहा है.